अब भैया आगे पीछे कर ले माई गाड़ी, क्या बताओ तो चुप हो जाए। अब नारेबाजी शांत हो जाएगी तो पता कैसे चलेगा कि सोपाल चाचा बाराबंकी जिले में आए थे। नारेबाजी बस अब नहीं करेंगे तो कल साल बर्बाद करेंगे। चुनाव नजदीक आ गया है और बगैर चुनावी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अब क्या बताएं, यूपी सियासत का बस अब ऐसा तापमान हमने कभी देखा ही नहीं, माथे से पसीना छूटने लगता है। फिलहाल बाराबंकी जिले में सब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोपाल सिंह यादव जी थे। इनकी बस अब बगैर सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इनकी यात्रा बस अब सीधे बगैर गोंडा की ओर जा रही थी। सूत्र तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं, पीछे विकास यादव का चमचमाता हुआ चेहरा भी दिख रहा था और चमचमाता हुआ चश्मा भी दिख रहा था। आसमान से ना जाने बस अब कौन गेंदे की फूलों की वर्षा कर रहा था, वैसे माथे पर तो खूब ऐसा फूल गिरे हुए थे। फिलहाल बस अब मीटर क्रम जारी करा था कि आगे करे पीछे करे, ना जाने कौन कौन सी बातें कर रहे थे। फिलहाल बकायदा शिवपाल चाचा जी काका बोले गुदर सुन लो, सुनना भाई साहब ध्यान से क्योंकि समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। फिलहाल हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। पहला सवाल तो भाई साहब यही था कि बकायदा बर्थडे आ रहा नेताजी का, आप गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी से, तो सुनिए जवाब कहाँ दे रहे थे। अंचल में हमारा ये सामाजिक परिवर्तन 2022 के चुनाव में निश्चित माहिर खिलाड़ी हैं तो कहीं ना कहीं जो 22 फरवरी नवम्बर को नेताजी का बर्थडे है उसमें क्या विलय की बात हो रही है या आपको तो शिवपाल चाचा जी साफ तौर से कह रहे थे क्या अखिलेश यादव जी जल्दी कर लीजिए, अब चाचा भतीजे का गठबंधन कब होता देखा जाएगा, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। पर बस अब माथों पर जमकर फूलों की बरसात, देखो पूरा बस अब माथा फूलों से भर चुका था। पीछे विकास यादव जी का चेहरा बस अब खिलखिलाता हुआ दिख रहा था और जमकर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। वैसे कार्यकर्ता भैया वीडियो को शेयर करना कदम मत भूलिएगा और जमकर नारेबाजी कीजिए। नारेबाजी आज नहीं करोगे तो कब करोगे। पर फिलहाल बस अब इनकी बकायदा रथ किया था सीधे बस अब बोलना क्यों जा रही थी, पर वीडियो को शेयर करना। अब जाते जाते बासा बरेली जिले के बासा मीरगंज पड़ता है। मीरगंज में बासा एक शुगर मिल है, कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। यहाँ पर बसा ना जाने कौन सा सत्र शुरू हुआ जिसको लेकर बस अब उद्घाटन भी हुआ और आशीष जी ने बस अब नारियल पकड़ा और दे मारा। ऐसा मारा कि बस अब नारियल दो भागों में फूट गया, ऐसा फूटा कि कांपता है, फूट कर गुब्बारा बना जा रहा था, पूरी मलाई निकल गई थी। वैसे किलकिनाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर बैल वाले बस अब देखो देखो पूजा अर्चना भी हो रही थी। अब ना जाने काका हो रहा था। फिलहाल बाकायदा आशीष शर्मा जी काका बोले गुदर सुन लो, सनी गोस्वामी रिपोर्ट भेजने का अधिकार है कम से कम। सर DSM शुगर मिल बरेली के द्वारा आज पिराई सत्र शुरू किया जा रहा है, किसानों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? किसानों के लिए हमारा पहला मैसेज है कि इस बार हमने कैपेसिटी 50,000 क्विंटल पर डे से बढ़ाकर 65,000 क्विंटल पर डे कर दी और अगले साल इस कैपेसिटी को 75,000 करने का हमारा टारगेट है। मैं चाहता हूँ किसान के पास अगर 10 बीघे जमीन है तो वह 8 बीघे में गन्ना बोए, उससे इस क्षेत्र का हाल चाल सब बदल जाएगा। वैसे आशीष शर्मा जी बदले में तो आप भी दिख रहे थे कांपते हैं, माथे में जबरदस्त टीका लगा रखे थे, कुर्सी बस अब इनकी डोले रही थी, कभी इधर जाती थी कभी उधर जाती थी। पर फिलहाल बस आप बरेली के लिए सैनिक गोस्वामी को वीडियो को शेयर करना कथा मत भूलेगा, शाम से हर जुड़ी खबर मिलते रहेगी इसी पर।